नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद 4,839 मत पाकर हुए विजयी। सपा प्रत्याशी रजनीश यादव को मिला कुल 407 वोट। सपा प्रत्याशी का जमानत हुआ जब्त। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने दिया सीपी चंद को जीत का प्रमाण पत्र। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने अधिकारियों के साथ महायोगी गोरखनाथ टर्मिनल गोरखपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सुरक्षा ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ड्यूटी पर सतर्क रहने के दिए निर्देश। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव का मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच कचहरी क्लब में हुआ सम्पन्न। भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद 4,839 मत पाकर हुए विजयी। जनपद में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की DDMS ऐप के माध्यम से ड्यूटी की जाएगी चेक। उपस्थित न मिलने पर देना होगा स्पष्टीकरण। एसपी सिटी ने दी जानकारी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के भाजपा के नव निर्वाचित MLC सीपी चंद ने चुनाव जीतने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं व शीर्ष नेतृत्व को दिया धन्यवाद। सपा प्रत्याशी ने भी चुनाव हारने के बाद उनके पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं को दिया धन्यवाद। अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। मंगलवार को जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने बेदिहाता चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक नाली नाले पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर किया चालान। सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से करवाया खाली। अपर नगर मजिस्ट्रेट ने कहा, आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ चलता रहेगा अभियान। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्यवाही। दो सौ लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 किलो नौसादा, 2 किलो यूरिया व कच्ची शराब बनाने का उपकरण किया बरामद, भेजा जेल। और गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में विजयी भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। कहा, पंचायतों को अधिकार में वृद्धि दिलाना है हमारी प्राथमिकता। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के भाजपा के प्रत्याशी सीपी चंद्र को जीतने के बाद जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा, जिसके संबंध में गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के AR राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के लिए मतगणना सम्पन्न हुई है, जिसमें कुल 5,365 मत पड़ा था, जिसमें 5,246 मत वैध पाया गया है, जिसमें से 4,839 मत सीपी चंद ने पाया था और 407 मत रजनीश यादव को मिला और सपा प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सीपी चंद को विजयी घोषित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के AR राजेश कुमार सिंह ने कहा, ये
नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, ERO गोरखपुर महाराजगंज क्षेत्र का हूं, गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र का हूं। आज हमारे यहां मतगणना हुई है। कुल 5,365 मत पड़े थे, जिसमें से 5,246 मत वैलिड पाए गए। इनमें से 4,839 मत श्री CP चंद जी, श्री चामुंडेश्वरी प्रताप चंद जी को मिला और 407 मत रजनीश यादव जी को मिला। इस प्रकार भारत निर्वाचन आयोग की परमिशन के उपरांत श्री चामुंडेश्वरी प्रताप चंद जी को विजयी घोषित किया गया। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मंगलवार को महायोगी गोरखनाथ टर्मिनल गोरखपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का अधिकारियों के साथ जायजा लिया। इस दौरान SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारी कर्मचारियों को CCTV वायरलेस एवं BP जैकेट के साथ ड्यूटी पर सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने गोरखपुर एयरपोर्ट पर नियुक्त कर्मचारियों की पहचान पत्र से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिया। SSP ने चेकिंग के दौरान एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों का पहचान पत्र भी चेक किया और एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी वहां पर मौजूद एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसी से प्राप्त की। इस अवसर पर SPCG सोनम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, लेकिन यहाँ पे कोई जो एक मनार में 1 किलोमीटर जो नया प्रोजेक्ट है उसकी बात करो।
कैसे मतलब वो कैसे आ जाते हैं? सर उनकी सर उनकी खुशी होती है यहाँ आने के तो जाने चले जाते हैं। उनको एक टोकन दिया गया है यहाँ पे जाकर कार्ड दिखाइएगा। आप कैसे कार्ड बोल रहे हैं? हमारे यहाँ लेबर आएंगे, उनके आधार कार्ड सबमिट किए जाते हैं, फिर उनकी रिकमेंडेशन आती है, फिर उनके रिकमेंडेशन के ऊपर हम उनसे फॉर्म लेके फिर बताते हैं। उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है सर? उसकी है, उनका जो सुपरवाइजर है उसका है, जो लेबर आ रहे हैं उनका नहीं। लेबर की एक लिस्ट ले लो सर, पता चले कोई तीन लूट कर रखा है वो आदमी यहाँ काम करना है तो एड्रेस है ना, इसका पूरा लिस्ट आपके पास होगा सॉफ्टवेयर पूरा आपने मजदूर है सब मिल जाएगा। कितने मजदूर हैं अभी? करीबन 25 के आसपास। तो आप उसको सत्यापित करके हमको देंगे, जब भी आप कोई कार्ड इश्यू करेंगे तो आप पर्सन लिखो उसको, इनको आप लेटर लिखो कि आपके यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं ये क्या क्या एक नाम लिया है, उसमें जब भी ये किसी को पास लेंगे तो उससे पहले पुलिस के सारे कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवाएंगे और ये कैरेक्टर वेरिफिकेशन 24 घंटे के अंदर पुलिस करके देंगे। आप स्पेशली सबको कॉपी भी करते हैं अधिकारों को, बाबू बाबू है सर ये उसमें लिस्ट डाल, मैं आधार कार्ड दे दूँगा जिससे उनकी चीज़ें की रैम के एड्रेस क्लियर रहेंगे। एक कॉपी दे दूँगा सर, आधार कार्ड को सर है हमारे पास है भी। तो आप एक लेटर लिखे SPCB साहब को लेटर लिख देना, इनका पूरी सत्यापन करके देगा कस्टमर सर। तो जितने अभी लगे हैं उनका हम कैरेक्टर वेरीफाई कर देंगे सर, और जो नया जब भी लगेगा तो उसको आप हमसे कैरेक्टर वेरीफिकेशन 24 घंटे के अंदर करवा लिया। ये गेट के दो जने रहे हैं, कैसे पास करते हो आप लोग जो आते हैं कि मुझे उधर जाना है? पास करते जो हमारे पास है सर, ये BCS करते हैं उसके बाद। तो इस पास में सर ये क्या ले जाना परमिट है, खाली आ जाएंगे या कुछ सामान लेके जाते हैं? सर मान लो कोई ब्लेड ले गया, मैं ब्लेड सब पॉकेट में जोड़ा जब देखते हो हाँ इतने एयरपोर्ट कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका एक बार दोबारा पुलिस सत्यापन हो, जितने मजदूर काम कर रहे हैं ये लेबर काम कर रहे हैं लेबर सिस्टम काम कर रहे हैं, उनमें सबका पुलिस वेरिफिकेशन किए बिना करें। धन्यवाद।
वगैरह कितने लगे? जी आज सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गोरखपुर एयरपोर्ट का हमने निरीक्षण किया है और इसमें जो भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारीगण हैं, उनसे वार्ता की गई। सीसीटीवी कैमराज, जो बैग स्कैनर है, अंदर क्या व्यवस्था है, चेकिंग की किस प्रकार है, जो नव निर्माण हो रहे हैं उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, ये सभी कुछ देखा गया है। काफ़ी कुछ तैयारी अच्छी है यहाँ की। कुछ सुधार के लिए हमने प्रपोजल दिए हैं जो कि शीघ्र ही जिन पर पालन करके जो सुरक्षा है उसको और दुरुस्त किया जाएगा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव का मतगणना कचहरी क्लब में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ, जिसके संबंध में गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के एआरओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के लिए दो प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें भाजपा से सीपी चंद और सपा से रजनीश यादव मैदान में थे, जिसका मतदान 9 अप्रैल को संपन्न हुआ। मंगलवार की मतगणना में कुल 5,365 मत पड़ा था, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी सीपी चंद को 4,839 मत प्राप्त हुआ और सपा प्रत्याशी रजनीश यादव को 407 मत प्राप्त हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के एआरओ राजेश कुमार सिंह ने कहा, इसमें मोहर लगा कर
नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एआरओ हूं गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र का। हमारे यहां कुल 5,365 मत पड़े थे, आज मतगणना हुई है, जिसमें श्री सीपी चंद जी को 4,839 मत और श्री रजनेश यादव जी को 407 मत प्राप्त हुए हैं। अर्थात कुल वैलिड मतों में से 92.25% मत मिला है श्री सीपी चंद जी को, 7.75% रजनीश यादव जी को मिला है। जनपद में DDMS ऐप से ट्रैफिक कर्मचारियों की चेकिंग की जाएगी, जिसके संबंध में SP सिटी सोनम कुमार ने बताया कि DDMS ऐप को ट्रैफिक में लागू कर दिया गया है, जिसको देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी DDMS ऐप के माध्यम से चेक की जाएगी। इसके पहले जो प्रधानमंत्री आगमन, राष्ट्रपति आगमन, गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती थी, उन्होंने कहा हमारा प्रयास है कि भविष्य में गोरखनाथ मंदिर एयरपोर्ट पर DDMS ऐप से ड्यूटी लगाई जाएगी और ऐप के माध्यम से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी चेक की जाएगी। यह ऐप यह भी बताएगा कि पुलिस कर्मी कब ड्यूटी पर पहुंचा, जो भी पुलिस कर्मी ड्यूटी पर लेट पहुंचेगा उसका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी सोनम कुमार ने कहा देखिए, DIG महोदय के निर्देशानुसार और कप्तान साहब के आदेशानुसार जो DDMS ऐप है, इसको आज हम लोगों ने ट्रैफिक में लागू कर दिया है। तो कल से ट्रैफिक वालों को जो ड्यूटियाँ हैं वो DDMS ऐप पे लगातार चेक की जाएंगी। DDMS ऐप इसके पूर्व जो मुख्य आयोजन होते थे, जैसे प्रेजेंट विजिट, प्राइम मिनिस्टर विजिट या फिर कोई भी बड़ा आयोजन होता था, खिचड़ी मेले का आयोजन होता था, ऐसे टाइम पे लगाया जाता था, और अब इसको रेगुलर यूज़ किया जाएगा, प्रतिदिन को उसमें यूज़ किया जाएगा। और भविष्य में हम प्लान कर रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर और एयरपोर्ट, HURL, एम्स, ऐसे जो सेंसिटिव स्थान है हमारे, इनके लिए भी हम जो भी ड्यूटियाँ लगाएंगे उसको DDMS ऐप के द्वारा उनका अटेंडेंस चेक किया जाएगा। व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा, चेक इन करेगा, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश, देशांतर और किस समय वो अपने ड्यूटी पे पहुँचा, ये ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर पे आ जाएगा। और जो भी व्यक्ति लेट आएंगे उनका स्पष्टीकरण या जैसे भी जो भी दंडात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी संबंधित एडिशनल इसके द्वारा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के भाजपा के नवनिर्वाचित MLC CP चंद ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि मैं अपनी जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को दूंगा, जिन्होंने दिन रात लगकर मेरे लिए हर क्षेत्र में प्रचार किया। इसके साथ ही गोरखपुर महाराजगंज के जनप्रतिनिधियों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में कुछ ऐसा काम रह गया था जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मंशा है कि पंचायतों को ज्यादा सहायता दी जाए, जिसको इस कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितने भी मतदाताओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वहीं इस संबंध में सपा प्रत्याशी रजनीश यादव ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी CP चंद को चुनाव जीतने की बधाई देता हूं कि जिस तरह से मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान किया है और उनको बहुत बड़ी जीत मिली है, उसी तरह से जनता के लिए कार्य करेंगे, ग्राम पंचायत के लिए काम करेंगे और जो जनादेश मुझे मिला है उसी तरह से मैं दोबारा जनता की सेवा में लगकर कार्य करूंगा। हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मुद्दों को लेकर चुनाव में एक दूसरे के प्रति बयानबाजी होती है, लेकिन व्यक्तिगत आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सभी लोगों को प्रेरणा देगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के सपा प्रत्याशी रजनीश यादव और भाजपा के नवनिर्वाचित MLC CP चंद ने कहा भैया आप भी चुनाव लड़ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? तो चुनाव वो जीत गए हैं, तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। हमारी, मुझे आशा है, उम्मीद है कि वो जनता, जो जनादेश उन्हें मिला है उसके हिसाब से वो जनता की सेवा करने का काम करेंगे। जो जनादेश हमें मिला है, प्राप्त जनादेश के अनुसार हम भी जनता की सेवा में पूरे मनोयोग से लगे रहेंगे। हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मुद्दों को लेकर तीखा संघर्ष किया जाता है लोकतंत्र में,
लेकिन व्यक्तिगत कटुता नहीं होनी चाहिए। इसकी मिसाल पेश किया हम लोगों ने, जो लोग राजनीति में आज व्यक्तिगत कटुता के मामलों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने उनके लिए एक सीख प्रस्तुत करने का काम किया। मैं अपनी जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को दूंगा और मैं आभार व्यक्त करूंगा गोरखपुर महाराजगंज के सम्मानित जनप्रतिनिधियों का जिन्होंने ये विश्वास मुझे दिया। क्या ऐसा काम था जो पिछले कार्यकाल में अधूरा है जिसको पूरा किया? सबसे बड़ा जो काम अधूरा रह गया था, जिसकी पहल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, पंचायतों को ज़्यादा स्वायत्ता देने का और 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप जो है स्वायत्ता देने का, जिसकी पहल भी शुरू हो गई थी पिछली सरकार से ही, और दोबारा जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो स्वायत्ता जल्द से जल्द ग्राम पंचायतों को मिले। मतदाताओं के लिए क्या करना जिन्होंने आपको? मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा विश्वास मुझे दिया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद 4839 मत पाकर हुए विजयी। सपा प्रत्याशी रजनीश यादव को मिला कुल 407 वोट। सपा प्रत्याशी का जमानत हुआ जब्त। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने दिया सीपी चंद को जीत का प्रमाण पत्र। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने अधिकारियों के साथ महायोगी गोरखनाथ टर्मिनल गोरखपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सुरक्षा ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ड्यूटी पर सतर्क रहने के दिए निर्देश। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव का मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच कचहरी क्लब में हुआ सम्पन्न। भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद 4839 मत पाकर हुए विजयी। जनपद में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की DDMS ऐप के माध्यम से ड्यूटी की जाएगी चेक। उपस्थित न मिलने पर देना होगा स्पष्टीकरण। SPCT ने दी जानकारी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के भाजपा के नव निर्वाचित MLC सीपी चंद ने चुनाव जीतने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं व शीर्ष नेतृत्व को दिया धन्यवाद। सपा प्रत्याशी ने भी चुनाव हारने के बाद उनके पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं को दिया धन्यवाद। अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। मंगलवार को जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने बेतिहाता चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक नाली नाले पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर किया चालान। सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से करवाया खाली। अपर नगर मजिस्ट्रेट ने कहा, आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ चलता रहेगा अभियान। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्यवाही। दो सौ लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 किलो नौसादर, 2 किलो यूरिया व कच्ची शराब बनाने का उपकरण किया बरामद, भेजा जेल। और गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में विजयी भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। कहा, पंचायतों को अधिकार में वृद्धि दिलाना है हमारी प्राथमिकता। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बेतिहाता चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों एवं लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया और बुलडोजर के द्वारा नाले पर हुए कब्जे को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और साथ ही साथ चालान भी किया गया, जिसके संबंध में अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एक माह का अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को बेतिया से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी तक रोड के दोनों तरफ नगर निगम की जमीन पर लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उनको पहले से सूचना देकर हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी चेतावनी दिया गया है कि इस प्रकार से कोई अतिक्रमण किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा और जो भी दंडनीय कार्रवाई होगा किया जाएगा। इस अवसर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे ने कहा, सड़क के दोनों तरफ जो भी अतिक्रमण किए हैं, अवैध छज्जा, सीढ़ियां, स्लैब, ये तत्काल आप लोग हटा दें और अनावश्यक अतिक्रमण कभी भी भविष्य में ना करें, जिससे कि रोड बाधित हो और चलने वालों को परेशानी हो। रामजे अपने आदमी ना उसको उठवा लो, वो एक जो टेबल है और एक वो गाड़ी बुलवा लो कैसे गवाह थोड़े नहीं कितना किया जाए सर? 2000 का। अरे सर हटा रहे, अरे बोला 200 रुपए का काट दीजिए। नहीं नहीं सर, एसीएम साहब से बात करो, एसीएम साहब से बात करो। सभी लोग तत्काल सामान अंदर कर लीजिए, अपना अपना समय नहीं है। Right, come on, 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 right,
के सुचारू रूप से गोरखपुर में करने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक माह का एक कार्यक्रम उनके निर्देश में बनाया गया था और उसी निर्देश के अनुपालन के क्रम में आज बेतिया हाता से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर चौकी तक दोनों तरफ नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण करके यातायात को परेशान करने के नियत से जिन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनके अतिक्रमण को आज पहले से पूर्व सूचना दे करके हटाया जा रहा है। जो लोग अपने से हटा ले जा रहे हैं उनके लिए स्वागत है और जो लोग अपना नहीं हटा पा रहे हैं उनको जेसीबी मशीन द्वारा क्लियर कराया जा रहा है तथा भविष्य के लिए भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर उन्होंने इस प्रकार पुनः कोई किया तो अतिक्रमण किया तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और फिर से जो दंडनीय कार्रवाई है वो कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के क्रम में आज जो बेतिया हाते चौराहे पर फल की दुकानें थे जो नहीं हटा रहे थे उन पर जुर्माना भी किया गया और उनके अतिक्रमण वाले शेड इत्यादि हटा दिए गए। राजघाट पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर राजघाट पुलिस ने एक अभियुक्त को चक्रा दोयम अमरूदबाग से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अखिलेश पुत्र राम मूरत निवासी चक्रा दोयम अमरूदबाग के रूप में हुई है, जिसके पास से 200 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 2 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम नौसादर बरामद हुआ है, जिसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र, कांस्टेबल मंगलदीप गोरख सिंह, हृदय सिंह शामिल रहे।
गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद के चुनाव जीतने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कचहरी क्लब मतगणना स्थल से इंदिरा बाल बिहार तक कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और बारी बारी से माला पहनाकर जीत की बधाई दी। जिसके संबंध में नवनिर्वाचित MLC सीपी चंद ने बताया कि समस्त जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यह जीत हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा सहायता देना यह हमारी प्राथमिकता है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और सरकार प्रतिनिधियों के सम्मान में वृद्धि कर रही है, उनके अधिकार में वृद्धि कर रही है और हम सभी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ग्राम पंचायतों को जल्द से जल्द सहायता मिलेगा। वही कार्यकर्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीतने के बाद गोरखपुर महाराजगंज के स्थानीय प्राधिकरण चुनाव में MLC सीपी चंद ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GD मिश्रा और नवनिर्वाचित भाजपा के MLC सीपी चंद ने कहा, Oh!
मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना अपना हस्तान ग्रहण करें। अभी आपके प्रत्याशी कार्यकर्ताएं बची हुई है, सारे कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत सारी सीटों पर भाजपा जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सभी सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। जेडी मित्रा मेरा नाम है, मैं मीडिया प्रभारी हूं। आज ऐतिहासिक खुशी की बात है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के बाद आज गोरखपुर महाराजगंज में एमएलसी सीपी चंद ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई वोटों से जीतने जा रहा है, इसलिए हम सारे लोग आज बार खुशी मना रहे हैं। इसके ऊपर जो हम लोग आज यहाँ साथियों के साथ जश्न मना रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जीत हासिल क्या कहेंगे? जनता का आभार, हमारे जो समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों का आभार और धन्यवाद, उनको ये बधाई उनको है, ये जीत का श्रेय उनको। समाज में क्या जो प्राथमिकता हमारी है, हमारे ग्राम पंचायतों को ज्यादा स्वायत्तता देना ये हमारी प्राथमिकता है, इसको जल्द से जल्द हम लोग पूरा करेंगे। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार जो है वो जनहित के काम कर रही है और हमारे प्रतिनिधियों के सम्मान में वृद्धि कर रही है, उनके अधिकार में वृद्धि कर रही है, उनको स्वायत्तता दे रही है। हम जो है सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि और पूर्ण स्वायत्तता जो है ग्राम पंचायतों को जल्द से जल्द मिलेगा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद 4,839 मत पाकर हुए विजयी। सपा प्रत्याशी रजनीश यादव को मिला कुल 407 वोट। सपा प्रत्याशी का जमानत हुआ जब्त। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने दिया सीपी चंद को जीत का प्रमाण पत्र। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने अधिकारियों के साथ महायोगी गोरखनाथ टर्मिनल गोरखपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सुरक्षा ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ड्यूटी पर सतर्क रहने के दिए निर्देश। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव का मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच कचहरी क्लब में हुआ सम्पन्न। भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद 4,839 मत पाकर हुए विजयी। अब जनपद में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की DDMS ऐप के माध्यम से ड्यूटी की जाएगी चेक। उपस्थित न मिलने पर देना होगा स्पष्टीकरण, एसपी सिटी ने दी जानकारी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के भाजपा के नव निर्वाचित एमएलसी सीपी चंद ने चुनाव जीतने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं व शीर्ष नेतृत्व को दिया धन्यवाद। सपा प्रत्याशी ने भी चुनाव हारने के बाद उनके पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं को दिया धन्यवाद।
अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। मंगलवार को जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने बेतिहाता चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक नाली नाले पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर किया चालान। सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से करवाया खाली। अपर नगर मजिस्ट्रेट ने कहा, आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ चलता रहेगा अभियान। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्यवाही। दो सौ लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 किलो नौसादा, 2 किलो यूरिया व कच्ची शराब बनाने का उपकरण किया बरामद, भेजा जेल। और गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में विजयी भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। कहा, पंचायतों को अधिकार में वृद्धि दिलाना है हमारी प्राथमिकता। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।